दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद सलमान अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सलमान बट 791। इंशाल्लाह दोस्तों आज हम अपने जावा और पिंचेस डव इन सब के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे जो एक्टिव कहलाता है और माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस आती है इसकी वजह से और हम एक्टिव इस्तेमाल करवाते हैं तो बच्चे भी अच्छे पलते हैं और ख़ासतौर पर सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। परिंदे के जिस्म भी गर्म रहती है और बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद और मतलब एक तरह से बूस्टर डोज होता है इनके लिए और बहुत अच्छी चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से तमाम चीज़ें मैंने अरेंज कर लिया है जो जो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इस्तेमाल करना है डालना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है समुद्री झाग होता है जिसको फिश कैटल बोन कहते हैं, तो इसका मैंने पाउडर बना लिया है और इसको भी मैंने एक पाउडर बना के अपने पास रख लिया है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है एवियन कैप्सूल जो आता है ये हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह अपने सॉफ्ट फूड के अंदर। ये विटामिन ई होता है बहुत ज़बरदस्त सर्दियों में हीट के लिए, और बॉयल एग ये तो आपको पता ही है माशाल्लाह सर्दियों में इसका इस्तेमाल होता है, और ये जो है बॉयल राइस ये भी इसका भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अंडे का जो छिलका होता है ये भी मैं ज़ाया नहीं करता, इसको भी धो के धूप में खुश करके इसका भी पाउडर बनाया हुआ है, ये भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा समुद्री झींगा होता है, छोटे छोटे झींगे आते हैं, इसको भी धूप में खुश करके और इसका पाउडर बना के ये भी इसी के अंदर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि पापे जो होते हैं चाय वाले, उसको भी मैंने क्रश करके रखा हुआ है और इसको भी इंशाल्लाह भी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर अपने एक्सपोर्ट के अंदर। आप कुछ लोग ब्रेड का भी इस्तेमाल करते हैं, मुझे ज़्यादा आसानी होती है पापों में क्योंकि एक दफ़ा क्रश करके अगर रख दिया जाए तो वक्त वक्त से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी तरह से आप कद्दूकश करने के लिए एक ऐसा बर्तन ले आए, ठीक है, जिससे गाजर वगैरह क्रश करते हैं। इसके अलावा साफ़ बर्तन ले लें, फिर इंशाल्लाह इसके अंदर अब सबसे पहले अंडा जो है इसको क्रश करेंगे बहुत आसानी से। इसके अंदर छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, कद्दूकस हो जाते हैं बहुत बारीक बारीक, और ताकि बासानी परिंदे खा सके। बहुत माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से इसमें कद्दूकस होता है, देखें आपके सामने है बहुत बारीक बारीक कद्दूकस हो रहा है, बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती। कई किस्म के कद्दूकस करने की चीज़ें मिलती है बाज़ार में या आमतौर पर बर्तन की दुकान में, अब आसानी आपको मिल जाएगा। ये मैंने एक अंडा पूरा जो है कद्दूकस कर लिया है, और अंडे के अंदर एक पूरा जो साबित अंडा होता है इसके अंदर एवरेज 6 से 7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है जो कि परिंदों के लिए बहुत अच्छा है, और 0 कैलोरीज होता है इसके अंदर। तो और सर्दी के मौसम में अगर इसका इस्तेमाल रखते हैं तो जिस्म भी गर्म रहता है इनका, बीमारियों से बचते हैं, सर्दी से बचते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से बारीक बारीक पीसेस हो गए हैं इनके। अब इसके अंदर जो है हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे समुद्री झाग का, जिसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। समुद्री झाग का 1 चम्मच काफ़ी होगा, एक अंडे के अंदर 1 चम्मच समुद्री झाग इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैंने चावल बॉयल करके रखा हुआ है, बॉयल राइस इसका 1 प्याला मेरे लिए काफ़ी होगा, आप अपने परिंदे के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल अगर रोज़ भी रखें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मकदार कम हो तो फिर काफ़ी होता है। इसी तरह अंडे का जो छिलका है एग शेल, उसका पाउडर 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मैंने झींगे का पाउडर बना के रखा हुआ है, तो इसको भी इंशाल्लाह 1 चम्मच इसके अंदर काफ़ी होगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और परिंदे बहुत शौक से खाते हैं, ख़ासतौर पर जावा फिंचेस वगैरह। इसके बाद पापे जो है मैंने जो क्रश करके रखा हुआ है इसको भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, 1 चम्मच और 2 चम्मच काफ़ी होगा इतने मकदार के लिए। इसी तरह से अब हम इसके अंदर कैप्सूल डालेंगे, ये एवियन का कैप्सूल आता है 400 mg वाला, 200 mg वाला भी आता है, 400 mg वाला भी आता है, तो मैं आमतौर पर 400 mg इस्तेमाल करूँगा। एक अंडे के अंदर और इतनी मकदार सॉफ्ट फूड के अंदर एक कैप्सूल काफ़ी होगा। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन इस सॉफ्ट फूड का,
तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो परिंदे ब्रीड पे नहीं आते वो जल्द से जल्द ब्रीड पे आ जाते हैं। इसके अलावा सर्दियों से बचाव हो जाता है और डेड इन शेल का मसला ख़त्म हो जाता है परिंदों के अंदर। बहुत अच्छी भराई भी करते हैं ना, बच्चों की भराई भी इससे बहुत अच्छी तरह से होता है। जिस केज के अंदर अगर छोटे बच्चे आए हुए हों तो इसके अंदर एवियन का कैप्सूल आप ना डालें, इसके अलावा आप तैयार कर लें। और अगर जिसके अंदर अंडे बच्चे ना हो तो उसको आप एवियन कैप्सूल डाल के दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रीड पाएंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब तक ये मिक्स हो रहा है, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसको बस अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं और ताकि अच्छी तरह से हर चीज़ आपस में मिक्स हो जाए। ख़ासतौर पे एवियन का जो कैप्सूल होता है वो एक एक दाने एक एक जर्रे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ताकि हर परिंदे को ये प्रॉपर तरीके से मिल सके। और मैं तो इसको इस एग फूड को एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल कराता हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा मिक्सर बन चुका है, सॉफ्ट तैयार हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम इसको अपने तमाम परिंदों के केज में डालेंगे। ये देखें मैंने सबके जो सॉफ्ट फूड का बर्तन है वो मैंने निकाल लिया है। अब सबके अंदर मेरे पास जो एक एक पेयर लगे हुए हैं तो एक चम्मच काफ़ी होगा। एक एक चम्मच में सब में इंशाल्लाह इस तरह से डाल दूंगा। और जो कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर इंशाल्लाह मैं ज़्यादा चमचे डालूंगा, कम से कम 2 से 3 चम्मच। ये कॉलोनी के बर्तन हैं, बड़े बर्तन, इसके अंदर एक बर्तन के अंदर 3 चम्मच मेरे ख्याल काफ़ी होगा, क्योंकि उसमें भी अंडे बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है, तो वो इसको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चे की अच्छी भराई हो जाती है और जल्दी जल्दी बच्चे बड़े होते हैं। इसी तरह से अब इंशाल्लाह सबको ये बर्तन लगा देंगे। और जिस केज में बर्तन नहीं है उसमें मैं इंशाल्लाह डायरेक्ट उनके केज में डाल दूंगा, तो भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि आप बर्तन के अंदर ही दें, ताकि जो बचा रहे उसी के अंदर पड़ा रहे, आराम आराम से फिर वो परिंदे खाते रहते हैं। सॉफ्ट फूड इतना ही दें कि बहुत ज़्यादा आधे घंटे या एक घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए, वरना फिर वो पड़ा रहता है और ख़राब होता रहता है, फंगस लगता रहता है उसके अंदर। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से मैंने सॉफ्ट फूड डाल दिया है अपनी कॉलोनी के अंदर, तो इन्होंने फौरन ही करीब करीब पहुंच गए और खाना शुरू कर दिया है। मैं अंदर से दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह बहुत तेज़ी से उठाते हैं, बहुत तेज़ी से खाते हैं, अपने बच्चों को भराई करते हैं फौरन ले जाकर माशाल्लाह। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।